अलीगढ़ छिंदवाड़ा से नवनिर्वाचित मेयर विक्रम अहाके आज भोपाल पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी जिंदगी और हालिया चुनावी माहौल से जुड़े अनुभव शेयर किए। विक्रम अहाके ने कहा कि जीवन में सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा मौका उनके हाथ आएगा। उन्होंने कहा कि वो कमलनाथ की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े और निरंतर चलते रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी, वो तो मैंने अपने पिछले दिनों में सोशल मीडिया अकाउंट में डाला था। चुनाव जीतने के बाद लोगों ने खोजा तो तस्वीरें सामने आई, जिनमें पत्तल बनाते हुए, लकड़ियां उठाते हुए, खेती का काम करते हुए, साइकिल चलाते हुए की तस्वीरें हैं। इस दौरान विक्रम का कहना है कि उन्होंने कमलनाथ के सामने टिकट मांगने कभी भोपाल नहीं गए और ना ही वहाँ किसी तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने उन्हें कब परख लिया, कब समझ लिया, ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता चली। सोशल मीडिया में कांग्रेस के पेज से पहली बार सूची जारी हुई तो उसे पढ़ने लगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा नाम भी सूची में होगा। अपने घर परिवार के बारे में विक्रम ने बताते हुए कहा कि उनके पिता किसान हैं, 2 एकड़ जमीन है, बड़े किसान नहीं है। मम्मी 1998 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। जब उनकी उम्र 8 से 9 साल की थी तो उन्हें 400 रुपये पेमेंट मिलती थी। प्राथमिक शिक्षा से ही बहुत संघर्ष किया है। कॉपी किताब और बैग खरीदने के लिए दिक्कत होती थी। फर्स्ट ईयर तक शादियों में कैटरिंग का काम किया है, शादियों में प्लेट उठाने तक का काम किया, मजदूरी का काम किया, साइकिल से पोस्टर बेचने जाया करते थे। उन्होंने कहा कि संघर्ष मैंने हर पल किया, कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आऊंगा। गाँव के कुछ लोगों की मदद कर देता था तो आत्मसंतुष्टि मिलती थी कि किसी के लिए हमने कुछ अच्छा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मैंने संघर्ष बचपन से ही किया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं और हमारी ज़्यादा नहीं 1-2 एकड़ खेती है, बड़े किसान भी नहीं हैं। और मम्मी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हैं और वो जब से 1998 से कार्यकर्ता है, जब मेरी उम्र लगभग 8-9 साल थी, और उनको लगभग 400 रुपये पेमेंट मिलती थी। उस समय से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा से ही मैंने बहुत संघर्ष किया। बचपन में काफ़ी किताब खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी, बैग खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी। बैग नहीं होता तो हम हाई सेल का भुट्टा की जो थैली आती थी उसमें काफ़ी किताबें रखकर 3-3, 4-4 किलोमीटर सिंगोड़ी हमारा स्कूल था, पैदल जाया करते थे। बड़ा हुआ 11th 12th फर्स्ट ईयर तक में मैंने, जैसे कि आप सभी को पता है कि शादियों में कैटरिंग का काम किया हूँ। सांसद प्रतिनिधि सबसे कम उम्र का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे छिंदवाड़ा जैसे प्रतिष्ठित सीट, माननीय कमलनाथ जी के गृह जिले से महापौर बनने का मौका मिलेगा। और मैं बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं माननीय कमलनाथ जी के समक्ष कभी टिकट मांगने भोपाल नहीं आया, ना मैंने वहां किसी तरीके से दावेदारी पेश की।